आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बावर्ची का सीक्रेट मटन ग्रेवी, मटन का सालन। अक्सर आपने इसे शादियों में, पार्टीज़ वगैरह में खाया होगा। क्या कभी आपने इसे घर में बनाया है? ये बहुत टेस्टी और बहुत आसान रेसिपी है। इसका टेस्ट बहुत अलग लेवल का होता है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो बस आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप इसे बस खाते ही जाएंगे। तो चलिए इस टेस्टी और आसान से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे 1 kg मटन लिया हुआ, इसे अच्छे से धो लिया है, अभी इसे साइड में रखेंगे। मटन का सालन बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक बर्तन को गर्म करके 1/2 कप तेल डालेंगे। तेल को गर्म हो जाने के बाद 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके डालेंगे और साथ में 20 से 22 लहसुन की कलियां लेना है, इसे भी प्याज में डाल देंगे। अब लहसुन और प्याज को तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। लहसुन और प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच खड़ी धनिया और 1 खाने के चम्मच से डालेंगे सौंफ। अब 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे और सभी चीज़ों को 1.5 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि बढ़िया से खुशबू आने लगे, गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब सभी चीज़ों को प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। सभी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, अब इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से मटन का सालन आप बनाएंगे, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैंने लिया है 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 15 छोटी इलायची, 12 से 15 लौंग, 2 फूल जावित्री के, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च। और सभी मसालों को साथ में मिला देना है और 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना लिया है, फिर से प्रेशर कुकर को गर्म करेंगे। 1/2 कप तेल डालेंगे और तेल में डालेंगे 2 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 लौंग, 1 तेज़पत्ता डालेंगे और मसालों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। मसाले हल्के से फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें मटन डाल देंगे। अब मटन को 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, जब तक कि मटन का पानी जल ना जाए। पूरी तरह से मटन का पानी जलने तक इसे पकाना है। इस तरह से मटन का पानी जला के जब मटन बनाते हैं तो मटन की सारी स्मेल चली जाती है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी बचा है, इसे भी हमें जला लेना है। तो देखिए मटन का सारा पानी जल चुका है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से आप मटन बनाइए, घर में सब बहुत आपकी तारीफ करेंगे। अब फिर से प्रेशर कुकर में 1 कप तेल डालना है। तेल को गर्म हो जाने के बाद 1/2 प्याज बारीक कटी हुई डाल देंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। प्याज का कलर बदलने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसमें डालेंगे जो मसालों का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। मिक्सी जार में मसाला लगा हुआ, थोड़ा पानी डाल के उसे भी इसमें डाल देना है और 1/2 चम्मच इसमें अदरक डालेंगे और सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है। और इसी के साथ इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में लिया है 1 चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब सभी मसालों को इसमें मिला देंगे। अब सभी मसालों को हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, इतना भूनेंगे ताकि मसाला और तेल अलग हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव में इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए मसाला और तेल अलग हो चुका है, इसमें हम फ्राई किया हुआ मटन डालेंगे और मटन और मसालों को अच्छे से मिला लेना है। रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मटन को अच्छे से मिक्स कर लिया मसालों के साथ। अब मसालों में डालेंगे 500 ml पानी, यानी कि 2 गिलास पानी डाला है। आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, आपको ज़्यादा लिक्विड चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल लीजिएगा। अब प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 10 से 12 सीटी आने तक पकाना है, इतना पकाना है कि मटन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो आप देख सकते हैं 10 सीटी आने तक मैंने पकाया है, मटन अच्छे से गल चुका है। इसमें डालेंगे हरा धनिया और साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच केवड़ा जल। केवड़ा जल डालने से सालन में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बावर्ची भी बनाते हैं तो केवड़ा जल डालना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अभी हम चेक करके दिखाते हैं कि मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हैं मटन कितनी अच्छे से गला है। आप देख रहे हैं ग्रेवी का कलर, ग्रेवी का टेक्सचर बहुत क्रीमी लग रहा है, एकदम शादियों वाला मटन सालन बनकर तैयार हुआ है, जो कि देखने से ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी होगा। बहुत ही ज़बरदस्त मटन सालन बनकर तैयार हुआ है। ये रेसिपी काफ़ी डिफरेंट भी है, आप इसे ट्राई करें, आप होटल रेस्टोरेंट वगैरह जाना छोड़ देंगे, ये बहुत डिलीशियस बनता है। आप इसे रोटी नान कुलची के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए।